हाय दोस्तों, आज मैं आपको फोटोशॉप में क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में बताऊंगा और मैजिक वैन टूल के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, हम फोटोशॉप बेसिक का ये चौथा वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इस बीच अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए फोटोशॉप से रिलेटेड या किसी और चीज़ के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। मेरे पास फोटोशॉप CS5 है, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा फोटोशॉप ओपन हो चुका है। चलो, पहले मैं आपको क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, क्विक सिलेक्शन टूल एक ऐसा टूल है जो कि बहुत ही फास्ट काम करता है, ठीक है। क्विक सिलेक्शन और मैजिक वैन टूल, मैजिक वैन टूल और क्विक सिलेक्शन टूल दोनों एक जैसे ही हैं, बट इनका काम अलग अलग है। तो मैं आपको एक फ़ोटो ओपन करके बताता हूँ, उस फोटो पे हम इसका वर्क करके देखेंगे कि ये किस टाइप से काम करता है। तो दोस्तों, क्विक सिलेक्शन टूल के लिए मैं ये ले लेता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्विक सिलेक्शन टूल कैसे काम करता है। मैंने क्विक सिलेक्शन टूल सिलेक्ट कर लिया है। अब हमें इसे छोटा बड़ा करने के लिए ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट, ये इसका शॉर्टकट है किसी भी टूल का। तो हमें सिंपली इसको ऐसे एक बार क्लिक करके माउस पे इसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारे फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेगा। देखो दोस्तों, ये इस टाइप से काम करता है। और फ़ोटो को हमेशा कटिंग करने के लिए जूम करके ही कटिंग करें, नहीं तो ये कटिंग हमारी अच्छी नहीं होती है। हमेशा किसी भी फ़ोटो को कटिंग करने के लिए जूम करके कटिंग करें, जिससे कि हमारा फ़ोटो कहीं से कट ना हो, जैसे कि यहाँ पे हमारा कट हो रहा है, ठीक है। हमेशा फ़ोटो को जूम करके कटिंग करें और सिलेक्ट करें, चाहे वो फ़ोटो कैसा भी हो, बट जूम ज़रूर करें। जूम करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, हमारे पोर्जन भी नहीं कटते हैं और हमारा फ़ोटो भी सही से सिलेक्ट हो जाता है। और दोस्तों, एक और बात, जब आप यहाँ पे रहते हो, जब सिंपली जब आप स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पे ये वाला टूल रहता है जो कि हमारा टूल सिलेक्ट होता है, ठीक है। अब हम आपको फिर से करके बताते हैं। ये हमने जैसे कि सिलेक्ट करा फोटो, फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद उनका यूज़ किस टाइप से हमें करना है। ठीक है, ये इतना सिलेक्ट हो गया। अब ये वाला पोर्शन जो हमारा ज़्यादा चला गया है, इसको हम अल्टर प्रेस करके रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ अल्टर, ठीक है ना। अल्टर प्रेस करके रखना है हमें, अल्टर छोड़ना नहीं है। तो वो हमारा पोर्शन वापस सिलेक्ट हो जाएगा। और जिस पोर्शन को हमें डिलीट करना है या उसको प्लस करना है, तो शिफ्ट प्रेस करके रखें। शिफ्ट प्रेस करने से ये प्लस का चिन्ह आ जाएगा और हमारा फ़ोटो सिलेक्ट हो जाएगा, जो पोर्शन हमारा सिलेक्ट करना रह गया था। शिफ्ट प्रेस करके रखें। ये मैं आपको सारा शॉर्टकट ही बताऊँगा ताकि आप थोड़ा फास्ट काम कर सकें। आपको शॉर्टकट ही बताना है, ठीक है दोस्तों। और अगर आपका सिलेक्शन गलत हो जाए, तो आपको एक स्टेप पीछे जाना हो तो कंट्रोल झेड करें, और अगर आपको ज़्यादा स्टेप पीछे जाना हो तो कंट्रोल अल्टर झेड करें, जिससे कि हम वापस अपनी पहली पोजीशन पे आ सकते हैं। ये हमारा फ़ोटो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है, ठीक है। और वापस ये कंट्रोल झेड, ये वापस सिलेक्ट हो गया है, ठीक है ना।
एडिट में जाके वापस एक स्टेप पीछे आ गया है, है ना। अब इसको सिलेक्शन को हम सिंपली कॉपी करते हैं, कंट्रोल एन से नया डॉक्यूमेंट लेते हैं, 4-6 सिलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर फोटो पेस्ट कर देते हैं। दोस्तों कि हमारा फोटो बहुत ही सिंपल और बहुत ही फास्ट कटिंग कर ली है, है ना। अब इसको सिंपली हम जहाँ पर भी सेट करना हो ये सेट हो जाएगा। और एक और बात दोस्तों, जब हम फोटो कट करते हैं उसके बाद हमें शिफ्ट F6 जो कि फेदर है, ठीक है ना, फोटो कटिंग करने के बाद फोटो पे फेदर देना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारा फोटो कटिंग करा हुआ दिखेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ इस फोटो में कि हमारा फोटो ऐसा लगेगा कि कटिंग करा हुआ है, है ना, ये देख लेना पूरा फोटो ऐसा लगेगा कि कटिंग करा हुआ है, तो इसलिए हमें फेदर देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इसको फेदर दे दिया शिफ्ट F6 से, आपको फोटो के हिसाब से फेदर देना है 4, 6, 10, 20 जो भी हो, और इसको कॉपी करें सिंपली और वापस हम यहीं पे एक और पेस्ट करते हैं, आपको बताएंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है। दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारे फोटो में कितना फ़र्क पड़ गया है, जितना जूम करके देखोगे उतना ही आपको पता चलेगा, ठीक है। और अगर इस पर आपको पता नहीं चल रहा है तो मैं ये फ़ोटो दोनों डिलीट कर देता हूँ और हम यहाँ से फिर से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, तो दोस्तों आपको पता चल रहा होगा फेदर। और इसको हम जितना ज़्यादा फेदर देंगे उतना वो दिखेगा। फिर एडिट में कॉपी करते हैं और फिर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, तो दोस्तों देखिए दोनों फोटो में कितना फ़र्क है कि उसमें फेदर क्या काम कर रहा है, ठीक है। दोस्तों आपको ऐसे पता नहीं चलेगा क्योंकि पीछे वाइट है इसलिए, ठीक है ना। तो मैं आपको उसके ऊपर कलर फिल कर देता हूँ, शिफ्ट F5 कलर फिल करता है। सबसे पहले हमको यह ले वाली लेयर चॉइस करना है, उसके बाद डबल क्लिक करना है लेयर पे और कलर चॉइस कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि फ़ोटो में क्या फ़र्क है। अब मैं आपको इसके ऊपर फेदर कम दे के दिखाता हूँ, एक हम सिर्फ एक ही फेदर देंगे और मैं यहाँ पे सिंपली पेस्ट करता हूँ, तो दोस्तों आपको फेदर सामने ही दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा मैजिक वेन टूल के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो मैं एक न्यू फोटो लेता हूँ जिसमें आपको जल्दी पता चले। ये फोटो हमने ले लिया दोस्तों, हमें मैजिक वेन टूल यूज़ करना है, तो मैजिक वेन टूल और मैजिक ये क्विक सिलेक्शन टूल दोनों ही एक ही जगह है, तो दोस्तों हमें सिर्फ मैजिक वेन टूल से एक ही क्लिक करना है तो हमारा सारा पोर्शन सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि मैजिक वेन टूल सिर्फ सिमिलर कलर को ही एक्सेप्ट करता है, जैसे कि इसके अंदर सिर्फ वाइट कलर है जो कि इसने बाहर का पोर्शन पूरा सिलेक्ट कर लिया है, अंदर का पोर्शन सिलेक्ट नहीं करा है। और दोस्तों ये इसकी टॉलरेंस पर भी डिफरेंस करता है कि आप अगर इसकी टॉलरेंस जितनी ज़्यादा रखोगे वो उतना ही उसका सिमिलर कलर लेगा। मैं आपको फिर से सेलेक्ट करके बताता हूँ, जैसे कि ये उसने वाइट कलर जहाँ पर भी है वो पूरा ले लिया उसने, ठीक है ना, थोड़ा बहुत भी वाइट कलर है वो पूरा ले लिया इसने। अब मैं आपको फिर से यहाँ पे टॉलरेंस कम करता हूँ और यहाँ पर 50 कर देते हैं। अब सिलेक्ट करते हैं तो देख लिया दोस्तों आपने कि उसने जहाँ पर उसको लगा वहीं पर उसने कलर सिलेक्ट करा है, बाकी जो वाइट कलर है वो छोड़ दिया है, ठीक है। एक बार और इसकी हम टॉलरेंस थोड़ी और कम कर देते हैं और यहाँ पर 30 कर देते हैं और अब सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये सिलेक्शन टूल है अपना, ये इस टाइप से काम करता है।
अगर आपको सिंपल आल लेयर लेना है तो यहाँ पे जितनी भी लेयर होगी वो वहाँ पे काम करेगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक कंट्रोल लाइन से न्यू लेता हूँ, उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो देखो दोस्तों, उसने सिर्फ बाहर वाला पोर्शन कॉपी किया है। वो क्यों किया है कि ये हमारा सिलेक्ट जो है वो बाहर वाला पोर्शन हुआ है, ठीक है ना, अंदर का पोर्शन नहीं हुआ है। तो हम सिलेक्ट में जाएंगे और सिलेक्ट इन्वर्स कर देंगे तो हमारा ये पोर्शन सिलेक्ट हो जाएगा। हम इसको कंट्रोल सी करते हैं और कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और ये हमारा पीछे वाला जो भी है वो डिलीट कर देते हैं। दोस्तों कितना फास्ट हो गया हमारा ये सिलेक्शन, और कुछ ही मिनट में हमारा सिलेक्शन तैयार हो गया है। लेकिन दोस्तों याद रहे कि हमें हमेशा इस पर फेदर देना ज़रूरी है, चाहे आप जितना भी दो लेकिन फेदर देना ज़रूरी है। मैं आपको इसके अंदर फेदर बताऊंगा क्योंकि इसके अंदर फेदर अलग ही नज़र आएगा, यह फ़ोटो ही उस टाइप से है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था कि दोस्तों आपको सही से फेदर देखना हो तो हम इसके ऊपर कलर फील करेंगे, ठीक है। अब आप इसके ऊपर फेदर देख सकते हो कि फेदर से क्या फ़र्क है और क्या नहीं है। देखिए दोस्तों इतना फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप फेदर उसी हिसाब से दें जिस हिसाब से हमें फ़ोटो की साइज पता हो कि फ़ोटो कितना बड़ा है या किस टाइप से है, ठीक है। इसके ऊपर 10 फेदर बहुत ज़्यादा हो गया है तो हमें इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 6 या 7 ही देना है, ठीक है दोस्तों। फेदर 6 या 7 ही देना है और इसको हमें रीसिलेक्ट करके ही फेदर वापस देना पड़ेगा। दोस्तों हमें इसको पहले तो डीसिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी से डीसिलेक्ट होगा। उसके बाद इसका शॉर्टकट की है W, इसको हम शॉर्टकट की से करते हैं। उसके बाद ये सिलेक्ट कर लिया हमने और सिलेक्ट इन्वर्स करने का है शिफ्ट कंट्रोल I और कंट्रोल C से कॉपी करा, कंट्रोल N से न्यू डॉक्यूमेंट लिया, 4-6 सिलेक्ट करा, ओके किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ये हमने बिना फेदर का दिया है और हम अब फेदर से लेते हैं, ठीक है। ये हमारा फेदर वाला भी आ गया, ठीक है। और उसके बाद हम इसको कलर चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमने पहले फेदर दिया था तो वो कितना था और अब फेदर दिया तो कितना है, ठीक है। तो दोस्तों आप फ़र्क देख सकते हो दोनों में। तो दोस्तों आज का हमारा क्विक सिलेक्शन और मैजिक वैन टूल दोनों हो गए हैं। लेकिन दोस्तों याद रहे कि ये वाले जो हैं वो इनके मेन पोर्शन हैं और इसके अंदर रहा है रिफाइंड इरेज, तो इसका मैं अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा। अगर आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हो बीच में, लेकिन मैं आपको इसका आगे बताऊंगा आने वाले वीडियो में रिफाइंड इरेज का। पहले हम यह सारे टूल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इसके आगे वाले सेटिंग के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि यह इसका सिंपली सिलेक्ट करता है, उसके बाद ये इसको जहाँ पोर्शन रह जाता है वो प्लस करता है और इसके पास वाला जो है वो इसको जो पोर्शन माइनस करना है वो होता है। और इसके शॉर्टकट की है अल्टर, अल्टर से माइनस होता है, शिफ्ट से प्लस होता है, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको इसका शॉर्टकट में बता दिया था, ओके। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।